हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम पे। देखिए दोस्तों, ये है बड़े काम की चीज़। जी हाँ, ये है चाय पत्ती जो कि चाय बनाने के बाद वेस्ट चली जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं और इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, चाय पत्ती बहुत ही काम की चीज़ है, ख़ासतौर से फूलों के प्लांट में। अब सर्दी आने वाली है और हर तरफ फूल ही फूल होंगे, तो सर्दियों के फूलों में आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। जब आप चाय बना लें, उसके बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे आप वॉश कर लें अच्छे से, जैसे कि मैंने इसे वॉश कर लिया है। जब इसमें से थोड़ा मटमैला सा पानी आना बंद हो जाए, फ्रेश वाटर आने लगे, तब आप समझ लीजिए वॉश हो गई है। उसके बाद आप इसे किसी ज़मीन वगैरह पे इस तरीके से सूखने के लिए रख दें और एक दिन इसे धूप में सूखने दें। जब ये एक दिन धूप में सूख जाएगी तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई। देखिए ये दाना दाना अलग हो गया है और ये बहुत भुरभुरी हो जाती है। इस कंडीशन में आप इसे हाथ से थोड़ा वे करेंगे तो ये बिल्कुल भुरभुरी और पाउडर जैसी फॉर्म में आ जाएगी। इसे आप चाहे तो एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लें। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद लें आप सैंडी सॉइल, बिल्कुल सैंड। देखिए बिल्कुल सैंडी सॉइल ली है मैंने और इसे मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। ये हो गई है सैंडी सॉइल इसमें मिक्स। इसे 70-30 की रेशो में आप लीजिए और इस तरह से आपकी एक सॉइल तैयार होगी जो आपके फूलों के प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होगी। सर्दियों के सभी फूल आप इस सॉइल में लगाइए। इसमें एनपीके की बहुत हद तक कमी पूरी हो चुकी होगी। आपको बहुत कम फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। चाय पत्ती ही फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगी। एक सबसे अच्छी बात यह है कि फूलों के प्लांट्स में चाय पत्ती देने से उनका फूलों का रंग बहुत निखर कर आता है और फूल बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा टिप्स अच्छा लगा होगा। आप भी इसी तरीके से सॉइल तैयार करेंगे, इसे आप ग्राइंड कर लेंगे तो और अच्छी होगी। लेकिन अभी मेरे पास ग्राइंड करने का समय नहीं था, मैं ग्राइंड करके ही डालूँगा। आप भी ग्राइंड करके मिट्टी में मिलाएं तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल मिट्टी जैसी हो जाएगी है। अभी तो थोड़े अलग अलग दिख रही है लेकिन ग्राइंड करके तो ये पाउडर जैसी हो जाएगी मिक्सी में। फिर आप इसे मिट्टी में मिला दें और इस तरह से तैयार मिट्टी आपके फूलों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।